एवरीवन, आज फ्रूट बॉम्ब्स किचन में पीच जूस बनाया है, फ्रेश पीच जूस, नो प्रिजर्वेटिव, नो कलर एंड वेरी डिलिश। 750 ग्राम पीच मैंने छिलके समेत काट लिए हैं, ये देखिए छिलका लगा हुआ इसका, इसको मैंने पील नहीं किया है, ये विथ स्किन है। अब इसके अंदर अप्रॉक्स 1/2 kg शुगर डालेंगे, ये 2 कड़छी मैंने भर के शुगर डाला है और इसको मिक्स कर देंगे। ये सारी पीचेस इसके साथ कोट हो जाने चाहिए। मैं हाथ यूज कर रही हूँ अपने शुगर कोट करने के लिए, स्पून के साथ हो नहीं रहा था, ये अच्छे से नहीं होता, इसको नीचे तक अच्छे से कोट करना है। इसने अभी से अपने जूसेस छोड़ने शुरू कर दिए, इसको क्लिन रैप लगा के ओवरनाइट रखेंगे फ्रिज में। अच्छे से कोट हो गया पीचेस के ऊपर, अब इसके ऊपर क्लिन रैप लगाना है। क्लिन रैप ना हो प्लेट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट क्लिन रैप से इसके जो खुशबू वगैरह वो बाहर फ्रिज में नहीं आएगी। इसको ओवरनाइट अब हम फ्रिज में रखेंगे। ये आड़ू जो रात को काट के छिलके समेत काट के चीनी डाल के फ्रिज में रखा था, इसको अभी हम माइक्रोवेव करेंगे फॉर 2 मिनट्स। इसको अब हम माइक्रोवेव करने जा रहे हैं। इसका मैंने क्लीन रैप नहीं उतारा है, एज इट इज रख दिया, जैसे फ्रिज से निकाला था एज इट इज मैंने रख दिया है। 2 मिनट्स ख़त्म हो गए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये देख कैसे बैलून की तरह फूल गया। क्लीन रैप को मैं ओपन कर रही हूँ ध्यान से, इसके अंदर काफ़ी गर्म है। माइक्रोवेव हाई पे मैंने रखा था, आजकल माइक्रोवेव सबके घर में, इट्स वेरी इजी टू मेक, आप पैन में भी कर सकते हैं इसको, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, आई लाइक पल्पी टेक्सचर, तो थोड़ा सा मैं इसको पल्पी रखूंगी। ब्लेंड हो चुका है, ये देखिए पीचेस अभी भी हैं, पल्पी है काफी, ये मैं पल्पी टेक्सचर रखूंगी इसको। इसको वापस माइक्रोवेव करेंगे, फॉर 5 मिनट्स। ये 2.5 मिनट हुए हैं और अंदर अच्छे से उबाल आ रहा है, कितने अच्छे से वो कुक हो रहा है। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसको मैं माइक्रोवेव से निकाल रही हूँ। अब इसका टेक्सचर देखिए, ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपको पसंद है, तेज़ पसंद है आप तेज़ ज़्यादा डालिए। अब मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। जब मैं पहले मैं आइस डाल रही हूँ, ये अभी बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने दीजिएगा, अभी बस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। जितना बच जाए उसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, 10-15 दिन इसको कुछ भी नहीं होगा, मोर देन इट कुछ भी नहीं होगा इसको। जब दिल हो 1 ग्लास बनाइए, बच्चों को फ्रेश जूस, पीच का फ्रेश जूस विद पल्प। इसको भी हम थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा पीच का जूस, ये फ्रेश पीच काट के ग्लास पे ऐसे लगा रहे हैं, इसका ये जूस इस पर लग जाएगा। और पाउडर शुगर के अंदर इसको मैंने ऐसे डिप कर दिया, ये कोट हो गया सारा शुगर इसके अंदर,
ये जग में जो हमने अभी पीच का क्रश डाला है इसके अंदर मैं वाटर डाल रही हूँ, पानी डाल के इसको मिक्स करके ये जूस को मैं डाल रही हूँ ग्लास के अंदर, जो भी हमने ग्लास बना के रखा था। ये इट्स रेडी टू सर्व। अपने अकॉर्डिंगली इसको आप डेकोरेट करिए जैसे मर्जी, बच्चों को देने के लिए स्ट्रॉ लगाइए। लुक एट दिस।